जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाव हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, एक और वैकेंसी निकल के आ गई है, जो कि ये वैकेंसी आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड में वैकेंसी निकली हुई है। जो कैंडिडेट आर्मी के लिए मेहनत करते हैं, वे कैंडिडेट इस फार्म को भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल वैकेंसी 58 पोस्ट है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है। आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न में ये वैकेंसी निकली हुई है। फीमेल के लिए काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी निकली हुई है। आप हमारे पास शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ये बताने जा रहा हूँ कि फॉर्म भरने का डेट कब है, लास्ट डेट कब है, कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है। तो साथियों, बताने जा रहे हैं कितने पोस्ट हैं, पूरा डिटेल से आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका भी मत करिएगा, लास्ट तक देखेंगे तभी समझ आएगा। साथियों, बताना चाहता हूँ, आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड रिक्रूटमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल के बारे में बताने जा रहे हैं। साथियों, ध्यान दीजिए, नेम ऑफ पोस्ट यूनिट, सफाई वाली में 46 पोस्ट है, सफाई वाला में एक पोस्ट है, ड्राइवर ORDJD में 2 पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC में 9 पोस्ट है। साथियों, ये बता रहे हैं किस कैटेगरी में कितनी सीट खाली है। जनरल में 20 सीट है, SC में 9 सीट है, ST में 3 सीट है, OBC में 7 सीट है, EWS में 7 सीट है। सफाई वाली फीमेल में, यानी फीमेल में 46 वैकेंसी में ये जो सीटें बताया हूँ, पूरा डिटेल से आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सफाई वाला में टोटल 1 सीट है, इसमें सिर्फ ओनली जनरल का 1 सीट है। ड्राइवर ORDJD में 2 सीट है, जो कि OBC में 1 सीट है और जनरल में 1 सीट है। टोटल साथियों 58 पोस्ट निकला हुआ है। उसके बाद साथियों, लोअर डिवीजन क्लर्क LDC में 9 पोस्ट है, जो कि जनरल में 6 पोस्ट है, AC में 1 पोस्ट है, OBC में 1 पोस्ट है, EWS में 1 पोस्ट है। और योग्यता के बारे में बता दें साथियों, एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है सफाई वाला वाली में या सफाई वाला में या ड्राइवर में, 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास सफाई वाला में, सफाई वाली में 10वीं पास होना चाहिए, LDC क्लर्क में 12वीं पास विथ 35 पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी में टाइपिंग स्पीड जो होना चाहिए 30 पर मिनट अन कंप्यूटर पर होना चाहिए, 30 पर मिनट अन कंप्यूटर पर होना चाहिए। और साथियों, ड्राइवर रोड का ग्रेड फार का बता दे रहा हूँ, 10वीं पास मांगा गया है, जो कि सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल एंड हैव टू ईयर्स एक्सपीरियंस ड्राइविंग। साथियों, जो लोग ड्राइवरी के लिए पोस्ट अप्लाई करेंगे, 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास के साथ साथ ड्राइव गाड़ी चलाने का ढंग रहना चाहिए, वो भी 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और साथ में हैवी लाइसेंस भी मांगा गया है। और साथियों, बता देना चाहता हूँ, आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड रिक्रूटमेंट 2022 एज लिमिट जो मांगा गया है 18 से 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और साथियों, आप लोग चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in पर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं।
एप्लीकेशन मोड जो है ऑफलाइन, यानी ये फॉर्म जो भरा जाएगा ऑफलाइन भरा जाएगा। जॉब लोकेशन जो है पुणे में है। और साथियों और दिखाना चाहता हूँ, एज लिमिट एसी एसटी को 5 वर्ष का छूट दिया गया है। एसी और एसटी के कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। यानी मिनिमम एज 18 ईयर से मैक्सिमम एज 25 ईयर के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर साथियों एसी एसटी के कैंडिडेट रहेंगे तो 18 से 30 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी के कैंडिडेट 18 से 28 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और साथियों सिलेक्शन प्रोसेस यानी भर्ती प्रक्रिया बता देते हैं। फर्स्ट साथियों रिटेन टेस्ट होगा, विल बी टेकन द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद जिस पोस्ट में अप्लाई करेंगे उसके बारे में पूछा जाएगा। यानी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथियों एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपया मांगा गया है। 100 रुपया ओबीसी एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपया मांगा गया है। एड्रेस टू सेंड एप्लीकेशन, यानी आप लोग को फॉर्म भर के कहाँ भेजना है ये आप लोग को बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, पीठासीन अधिकारी BOO एड्रेस दे दिया, बी मुख्यालय दक्षिणी कमांड, सी कमांड हॉस्पिटल, एस सी पुणे कंटोनमेंट वानड़ी, जो कि पिन नंबर है 411040। एक बार और बता दे रहा हूँ पिन साथियों, 411040 महाराष्ट्र। इस एड्रेस पे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म भरकर इस एड्रेस पे आप लोग को छोड़ देना है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ये भी आप लोग को डिटेल में बता देना चाहता हूँ। साथियों एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पहले आप लोग फॉर्म के ऊपर रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे वो पहले यहाँ पे अपना पोस्ट डाल देंगे, जो भी जिसमें भी, या सफाई वाली हो तो सफाई वाली में, या सफाई वाला में, या ड्राइवर में, जो भी हो अपना पोस्ट यहाँ लिख देंगे। फिर पहला कॉलम में साथियों फुल नेम, आपका जो भी नाम होगा अजय महेश जो भी होगा यहाँ फुल नेम अपना लिखना है, जो मार्कशीट में लिखा रहेगा। उसके बाद साथियों फादर नेम यानी दूसरा कॉलम में पिताजी का नाम लिखना है। तीसरा कॉलम में डेट ऑफ बर्थ एज पर स्कूल सर्टिफिकेट, यानी जो आप लोग के दसवीं में जो नाम हो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और साथियों चौथा कॉलम में एज लास्ट डेट, यानी एज का जो लास्ट डेट होता है वो निकाल के ईयर्स मंथ डे, यानी कितने वर्ष का आप हो गए हैं, कितने मंथ का हो गए हैं, कितने डे का हो गया है, ये चौथा कॉलम में लिखना है। साथियों ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्काइप मत करिएगा, अंत तक देखेंगे तभी समझ आएगा। पांचवा कॉलम में साथियों कैटेगरी में, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल हो गया जनरल पर टिक लगा देना है, ओबीसी वाले ओबीसी पर टिक लगाएंगे, एसी वाले एसी पर टिक लगाएंगे, एसटी वाले एसटी पर टिक लगाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस पर टिक लगाएंगे, पीएच कैटेगरी के लोग पीएच पे टिक लगाएंगे। और साथियों छठवां कॉलम में नेशनलिटी लिखेंगे, यानी इंडियन लिखेंगे। बी कॉलम होगा, छठवें कॉलम में बी कॉलम होगा रिलीजियन, आप जो भी धर्म से बिलोंग करते होंगे वे लिख देंगे, हिंदू होंगे तो हिंदू लिख देंगे, ईसाई होंगे धर्म जो भी आप लोग आते होंगे वो रिलीजियन में आप लोग लिख देंगे। सातवां कॉलम में साथियों एड्रेस
एड्रेस इन फुल विथ पिन कोड एंड मोबाइल नंबर। आप लोग को पूरा अपना गांव का एड्रेस लिख देना है, जहां भी आप लोग का विलेज यानी परमानेंट एड्रेस होगा वो लिख देना है, साथ में पिन कोड लिख देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देना है, उसके बाद साथियों कॉलम दिया रहेगा ऐसे विलेज, विलेज में अपना नाम पूरा गांव का पता लिख देना है, पोस्ट ऑफिस दिया होगा पोस्ट ऑफिस का पता लिख देना है, तहसील दिया होगा तहसील का पता लिख देना है, उसके बाद पुलिस स्टेशन आप लोग का जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पड़ता होगा वो आप लोग लिख देंगे। उसके बाद साथियों डिस्ट्रिक्ट यानी जो ज़िला आप लोग का पड़ता होगा वो लिख देंगे सातवां कॉलम में। साथियों स्टेट जो भी आप लोग का राज्य पड़ता होगा वो लिख देंगे। पिन कोड जो भी आप लोग का पिन कोड पड़ता होगा पोस्ट ऑफिस का वो लिख देंगे। और साथियों एक बात और ध्यान दीजिए, आठवां कॉलम में नेम आप एग्जाम पास यानी आठवां कॉलम में आप लोग को दिया रहेगा कौन सा यूपी बोर्ड दसवीं बारहवीं टेक्निकल जो भी आप होगा आठवां कॉलम में भर देंगे। जैसे नेम ऑफ एग्जाम पास यानी दसवीं होगा तो हाई स्कूल लिख दीजिएगा, बारहवीं होगा तो इंटरमीडिएट जो भी होगा वो अपना इसमें लिखना है। यार आप पासिंग कौन सन में आप पास किए हैं यहाँ पर लिखना है। उसके बाद साथियों बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कौन बोर्ड से पास है, ई पी बोर्ड लिख देंगे, दिल्ली महाराष्ट्र जो भी बोर्ड से पास होंगे वे लिख देंगे। और साथियों उसके बाद मार्क यानी कितने में से कितना मार्क पाए हो ये लिख देना है। डिवीज़न लिख देना है साथियों, डिवीज़न फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी रहेगा लिख देना है। रीमार्क यानी कितने में से कितना पाया गया है। और साथियों नवा कॉलम में एक्सपीरियंस इफ़ एनी आप लोग के पास एक्सपीरियंस होगा तो वो अभी लिख देना है। प्लीज़ अटैच सर्टिफिकेट। साथियों आप लोग को जो भी सर्टिफिकेट जो भी लगाना है अटैच करवा के ही लगाएंगे। और दसवां कॉलम में वेदर गवर्नमेंट सर्विस इफ एनी यस, और आप लोग को जो गवर्नमेंट रूल से छूट मिलता है वो भी छूट मिलेगा। वेदर गवर्नमेंट ऑफ सर्विस यानी दसवां कॉलम में जो सर्विस यानी जो सर्विस कर लिए एक्स मैन उनके लिए। उसके बाद साथियों एक और बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, लिखा है लेफ्ट थंब मेल कैंडिडेट यानी मेल कैंडिडेट के लिए लेफ्ट यानी लेफ्ट थंब लगाना है यानी थंब अपना अंगूठा लगाना है जैसे लगा हुआ है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए राइट थंब लगाना है। उसके बाद साथियों अपना सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद अपना फुल नेम लिख देंगे। साथियों तब तक के लिए वंशिका आल जाव हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए, आल पे क्लिक करिए ताकि जो भी वैकेंसी आए इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिले। धन्यवाद साथियों। और साथियों आर्मी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड रिक्रूटमेंट के बारे में जो बताए थे उस फार्म को बताना चाहता हूँ कि फार्म भरने का जो डेट है ऑफलाइन 30/4/2022 यानी 30 अप्रैल 2022 से ऑफलाइन ये फार्म भरा जाएगा, जो कि लास्ट डेट है 13/6/2022 यानी 13 जून 2022 तक ये फार्म भरा जाएगा। धन्यवाद साथियों।